पढ़ते हो? कौन सा विद्यालय है? विद्यालय का नाम बताओ। कौन सा गांव है? मकनपुर। कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? पाँच में। आज विद्यालय बंद है कि खुला है? बंद है। आज क्या तारीख है? चार तारीख है। इस समय लगभग 11 बज रहा है। गुरु जी अभी नहीं आए हैं? नहीं, मतलब कोई नहीं आया। कितने अध्यापक हैं यहाँ? चार। कोई आया है? नहीं, गेट बंद है। आप लोग पढ़ने आए थे कि नहीं? आए थे, फिर लौट गए। अच्छा, लौट गए। कौन सी कक्षा में पढ़ती हो? आठ। अपने स्कूल का नाम बताओ। प्राथमिक विद्यालय मकनपुर। आज गेट पे ताला लगा है, बंद है? पता नहीं, आज बंद है ना? हाँ, शायद बंद है। अच्छा, बंद। कितने अध्यापक हैं यहाँ पे? यहाँ पर चार हैं। आज ताला लगा है, कोई आया है कि नहीं आया है? अभी कोई नहीं आया। आप लोग पढ़ने आए थे कि नहीं? आए थे कुछ बच्चे, मैं अभी नहीं आई थी। सब लोग आए थे तो फिर चले गए, वापस चले गए। मतलब गेट में ताला लगा है, विद्यालय बंद है, इसलिए आप लोग वापस चले गए। और सर जी नहीं आए? अभी नहीं आए। कौन सी कक्षा में पढ़ती हो? आठ में। अंतर्गत देखा गया कि कई विद्यालय बंद हैं, क्या कारण है, किस वजह से विद्यालय बंद है? जनपद में कल जो है सामान्य निर्वाचन था, और निर्वाचन में जिन लोगों की ड्यूटी रहती है उसके अगले दिन क्योंकि रात हो जाती है जमा करने में, और देर रात तक वो लोग काम करते हैं, उसके बाद निकल जाते हैं, तो अगले दिन डेफिनेटली सबकी छुट्टी होती है जो भी कार्मिक लगे हुए हैं। और आप जो विद्यालय बताए हैं उसकी जाँच कराई जाएगी, अगर उसमें सभी कार्मिकों की ड्यूटी लगी होगी तो कोई बात नहीं, और अगर ड्यूटी नहीं लगी है उसके बाद भी अगर विद्यालय बंद है तो कठोर कार्रवाई की जाए।